नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत स्वागत है। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंट्राडे टेक मुंबई। एक साल पहले एक 2 रुपया 50 पैसा का एक शेयर था दोस्तों, और ये जिसके पास भी था उस स्टॉक का हम नाम जरूर बता दें। और इसका पहले कुछ और नाम था, बाद में हमने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था कि ये नाम बदल कर जो खेल करते हैं ये खेल क्यों होता है, इस वीडियो में जानिए। पहले इसका नाम कुछ और था और ये नाम बदल बदल कर जो खेल करते हैं। हम एक बात पूछते हैं दोस्तों, टाटा ग्रुप का टाटा स्टील क्यों नाम चेंज नहीं हुआ, टाटा एलेक्सी क्यों नाम चेंज नहीं हुआ, TCS क्यों नाम चेंज नहीं हुआ, टाटा कंज्यूमर क्यों नाम चेंज नहीं हुआ, टाटा पावर टाटा मोटर क्यों नाम चेंज नहीं हुआ, एक बार सोचे कभी। अडानी इंटरप्राइजेज नाम क्यों चेंज नहीं हुआ, नई कंपनी लिस्ट होती है, नया कंपनी बनता है, नाम वही रहता है। लेकिन ये दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वाले जो कंपनी है दोस्तों, जी हाँ, दिल्ली में रजिस्टर्ड, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने वाले कंपनी 50% कंपनी इन बहुत बड़े आम गरीब जनता को भिखारी समझने वाले, जनता को बेवकूफ समझने वाले, देश के 70% जो लोग हैं वो गाली देते हैं उन नेताओं को जो आकर टीवी पे हंसते हैं। शर्म नहीं आती उनको जिन्होंने भेजा है देश चलाने के लिए गरीबों को शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा, एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को, एक मध्यम वर्ग आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक रोजी रोटी कमाने वाला, एक आम आदमी की बहू बेटी बच्चियां स्कूल आराम से जाए, एक आम आदमी की जो धारणा है दिन भर कमाए शाम को आए खाना खाए सोए फिर जाए। लेकिन इन नेताओं ने उन 70% जो मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं उनको ये बेवकूफ समझते हैं। अरे हमें क्या चाहिए, एक साधारण मध्यम वर्ग के लोग को क्या चाहिए, या किसी भी दुनिया के किसी भी देश को जो आतंकवाद में विश्वास नहीं करता, जो भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करता, जो बलात्कारी में विश्वास नहीं करता, जो अधर्म में विश्वास नहीं करता, जो असत्य में विश्वास नहीं करता, जो सत्य में विश्वास करता है, जो धर्म में विश्वास करता है, जो जीवों के जीवनदान में विश्वास करता है, जो सच के रास्ते पर चलता है, जो सदाचारी है, आतंकवादी नहीं है, जो कभी गलत सोचता नहीं है, उस 70% मध्यम और गरीब आदमी को क्या चाहिए। पूरी दुनिया का ये समस्या दोस्तों, पूरी दुनिया का ग्लोबली ये समस्या है। और इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, तुमको, तुम लोगों को, देश के लोग जो वोट मार कर बैठाते हैं, और ये देश में क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में भी वही चल रहा है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा बाहर 15 सेकंड का आपको समय लेंगे, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य
शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन चीज़ तुम नहीं दे सकते हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों या जिला के जिला अधिकारी हो। और ये जिला अधिकारी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए दोस्तों। इन नेताओं तो 5 साल के आते हैं, अगर अपने औकात ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दिखाना शुरू कर दिए, अपने आप पे आ गए, तो इनकी औकात जूते की नोक पे रहेगी दोस्तों। देश के सर पैसा टैक्स लूट कर और ये टीवी पे आते हैं, और ये टीवी चैनल वाले भी, इनको भी एक मिल गया आर्टिस्ट, ये चैनल वालों को मिल गया करेक्टर, इन चैनल वालों को मिल गया वो फिल्म की करेक्टर, इनका भी दुकान। एक ही न्यूज को आज एक महीने से मैं देख रहा हूँ देश में कैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सुदृढ़ होगा। हम 25 साल बाद सपना देख रहे हैं दोस्तों, सोकर सपना देख रहे हैं लोग, लेकिन हम उस सपने को तोड़ने आए हैं, इसलिए कि सोकर सपना देख रहे हैं, हम जगाने आए हैं। ये टीवी पे आते हैं और सिर्फ आजकल ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये डिबेट कहते हैं इसको, ये डिबेट कहते हैं, ये अपनी दुकान की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और डिबेट करने के बाद जाते हैं दारू, मुर्गा और औरत। इनकी तो जनता ऐसा कोचने वाली है कि कभी भी ये अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए सुधर जाओ नेताओं, और ये 70% मध्यम और गरीब आदमी को बेवकूफ, लाचार और असक्षम समझने की कोशिश की है, तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है, वैसे नेताओं तुम लोग को भी मौत के घाट उतारेगी जनता। और वो कैसे, एक वोट की कीमत क्या है, और ये रंग रेलिया ये देश में क्या हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है। हम वोट मारकर भेजते हैं देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, जिला चलाने के लिए, गांव शहर चलाने के लिए, और ये जनता के गाड़ी खून पसीने की कमाई हवाई जहाज बुक करके दोस्तों, हवाई जहाज प्लेन बुक करके ये नया फैशन चला है, पहले फिल्मों में होता था, और ये देश की गाड़ी खून पसीने की कमाई गरीबों की, ये हवाई जहाज प्लेन बुक करके ऐश करते हैं। और हम और आप कहीं बीमार पड़ जाए, कोई आतंकवादी आपको छुरा भोंक दे पीठ में, सोए हुए को आग पे पेट्रोल जला दे, तो उसके लिए होता रहता ये, अरे नेताओं तरी। दोस्तों मेरा खून खौल रहा है आज, और ये खून खौलने का मतलब जान लीजिए, हम नहीं बोल रहे दोस्तों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये 700 नहीं 8 अरब में से 6 अरब लोग यही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और ये क्रांति, इनकलाब, जिंदाबाद, नहीं सुधरेंगे तो उनकी आज वो स्वर्ग में से देख रहे होंगे, जो किसी भी देश के लिए जो मर मिटे, वो क्या सपने लेकर
मरे थे वो भी ऐस कर सकते थे, फांसी पे लड़ गए, गोलियां खा गए। अरे उनको याद करो, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को ये सब खेल तमाशे करते हो, याद करो उनको जो हमें बोलने की आज़ादी दे के गए, याद करो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उनको सोच के, उनकी याद को सोच के जो देश के लिए कुर्बान हो गए। और तुम लोग जो कर रहे हो ये अब हमें बर्दाश्त नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसी दिल्ली में कई कंपनियां हैं जो इन नेताओं के रोज़ लिस्टिंग होती है और ये खेल करते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, और पैसा भेज देते हैं विदेश। एक पूरी दुनिया का बैंक है स्विट्जरलैंड, वहाँ एक ही देश में शेर आया दोस्तों, एक ही शेर आया है। और ये शेर नहीं इसको कह सकते हैं, इसको बाज कह सकते हैं, शेर का भी सवा शेर ईगल बाज होता है। और वो बाज आज के समय में देश में ये बाज सबसे ऊपर बैठ के शेरों का भी शिकार करने के लिए बैठा है। और इसको अभी 10 साल और देश में प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है दोस्तों। चलिए 5,000 रुपया लगा दीजिए 5 साल के लिए इस स्टॉक में, जो हमने एक बार बोला था नहीं लेना है, लेकिन अब ये इसकी स्थिति सही हो जाए, सिर्फ 5,000 रुपया का रिस्क लेना है 5 साल के लिए, हो सकता है कि ये आपका 5,000 रुपया